तो यार सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत मतलब डेंजरस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा क्या हुआ है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज हम क्या क्या चीज़ों को जानने वाले हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो पहले तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सजीव में श्वसन। यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा होगा क्या लिखा क्या हुआ है, सजीव में श्वसन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा चूँकि यहाँ से कुछ इस प्रकार के हैं। और तो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, सजीवों में श्वसन। ठीक है, तो सजीवों में श्वसन से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जहाँ सजीव आखिर होता क्या। तो सजीव आखिर होता क्या है, यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर लिखा है यह सब जो है यह आपको सजीव का ही क्या है, परिभाषा है। तो यहाँ पर आपको यह सब जो दिख रहा है यह क्या है, सजीव का परिभाषा है। सजीव का मतलब आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेगा तो लिखा हुआ है जीवित कह सकते हैं, जिंदा, और इसके बाद प्राणी यानी जीवधारी भी कह सकते हैं जिसमें जीवन हो। अगर आपको सजीव को समझना है तो बहुत ही बारीकी से मैं यह परिभाषा दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसमें जीवन हो उसको भी हम सजीव कहेंगे, या जो भोजन बनाता है उसको भी हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। और जो चलता है, बढ़ता हो, सांस लेता हो, और जो जन्म देता है और भोजन खाता हो, और जो उत्सर्जन करता हो, या जिसका वास स्थान हो, जिसका घर द्वार हो, तो ये सब आपको क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो यार सजीव का परिभाषा आपको लगता है समझ में आ गई होगी, यानी आप एक सजीव हैं, हम भी एक सजीव हैं जिसमें जान हो। ठीक है, यानी अगर हम किसी को मारते हैं तो हमको दर्द करे। यार ईंटा को अगर हम मारते हैं तो क्या ईंटा को दर्द होगा, नहीं ना। तो ईंटा क्या है, एक निर्जीव है, तो हम क्या है, सजीव है। तो अब हम समझते हैं सजीव, तो हम यहाँ पर क्लियर हो चुका है, यहाँ पर हम सजीव के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम चलते हैं श्वसन, आखिर श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो श्वसन के बारे में हम अब अध्ययन करते हैं कि आखिर श्वसन होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो सांस लेते हैं वो किसके जरिए लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि श्वसन, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, श्वसन। तो श्वसन लिखा हुआ है, तो आज के इस टॉपिक में श्वसन जो है वह आपको अगर पता है तो नीचे लिखिए श्वसन आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम सांस मुँह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं। तो नाक से लेते हैं तो वहीं जाती है, और मतलब कहते हैं कि मुँह से लेंगे तो वहीं जाती है। तो आखिर श्वसन होती क्या, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि श्वसन में हम क्या लेते हैं, श्वसन में हम क्या लेते हैं, तो आप क्या बताएंगे, श्वसन में हम क्या लेते हैं, क्या आपको पता है? आप श्वसन में क्या लेते हैं, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है श्वसन में आप लोग क्या लेते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये गलत है। श्वसन में हम गैस वायु लेते हैं, क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। लेकिन वायु में बहुत सारे गैसें मिली होती है, जो कि उसमें से एक ही गैस जो होता है हमारे लिए उपयोगी होता है। तो वह कौन सा गैस होता है, तो वह होता है आपको ऑक्सीजन। तो आप कभी कहिएगा मत कि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं। आपको कहना क्या है कि हम वायुमंडल से क्या लेते हैं, तो वायु लेते हैं, और वायु में से जो हमारी काम लायक होती है वह होती है आपकी ऑक्सीजन। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कि वातावरण से। अब बात आती है कि यार वातावरण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो वातावरण को आप समझिए कि हम जहाँ पर हैं, यार यह क्या है, एक वातावरण है। आप जहाँ पर हैं वहाँ का वातावरण अभी कैसा है, ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, कैसा है? तो वहाँ आप जहाँ पर हैं वहाँ एक क्या है, वह वातावरण है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो वातावरण से क्या किया जाता है ना कि ऑक्सीजन यहाँ पर लिया जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन हमारा वायुमंडल में यानी वातावरण में क्या होता है कि पाया जाता है। तो वहाँ से हम लेते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वह आपको निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ देर बाद क्या करना, छोड़ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम जैसे ही सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको बाद में क्या करते हैं कि हमारा जो फेफड़ा होता है, जो हमारा रक्त कोना ऑक्सीजन दे देता है, तो वहाँ पर जो बचता है क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसें बचते हैं। तो वहाँ से क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसन आपको यही होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो आपको समझ आई कि श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही आपको क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन आपको आई कि नहीं आई? तो चलिए अब हम आगे की टॉपिक पर बात करते हैं कि आगे के जो टॉपिक है ना वो आपको क्या है। तो यहाँ पर आगे की जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पर आगे की जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार की है थोड़ी सी ना यहाँ पर जो आगे के टॉपिक है क्या है कुछ इस प्रकार के है ओहो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार की है, आवास या वास स्थान। अगर आपको आवास या वास स्थान कहीं पर दिखे तो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यह क्या होता है, ये मतलब किसे कहते हैं, यह हमको जानना है।
तो आवास या वास स्थान क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कह देता हूँ कि आवास या वास स्थान दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है? तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। तो इसका जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार के है, आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको परिभाषा दिखला रहा हूँ जो कि बहुत ही मतलब अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार की है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं ना। तो यहाँ पर जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार की है जो कि आपको यहाँ पर ना आसानी से देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए आसानी से परिभाषा है जो कि यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर आसानी से देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि वह स्थान जहाँ से किसी सजीव को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा एवं प्रजनन के अनुकूल दशाएँ उपलब्ध होती है, उस जीव का वह आवास कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है कि आवास या वास स्थान दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आवास का मतलब घर होता है, ठीक है? तो आवास या अगर वास स्थान अगर कहीं आपको दिखे तो यह क्या कहलाएगा, घर कहलाएगा। तो हम कहाँ पर रहते हैं, तो हम एक घर में रहते हैं। तो वहाँ का जो स्थान होता है ना, वह किसी सजीव को क्या करता है कि बहु पर्याप्त, वहाँ पर तो भोजन, देखिए आपका घर है तो वहाँ पर तो पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना? तो पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर अगर रहेंगे तो सुरक्षा भी प्रदान होगा, होगा ना? तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा भी प्रदान होगा। और इसके बाद वहाँ पर हमें प्रजनन के अनुकूलन दशाएँ भी उपलब्ध होगी। तो प्रजनन आखिर होता क्या है? जैसा कि आपको पता है कि यार यहाँ पर ना प्रजनन आपको क्या होता है, तो प्रजनन को आप समझ सकते हैं कि प्रजनन जो होता है ना, वह हमारा होता है। जैसे एक पुत्र जो है, एक माता जो है वो पुत्र का जन्म देती है, तो पुत्र का जन्म देना आपको कहलाता है प्रजनन। तो आपको आवास का मतलब समझना क्या है कि हमारा क्या है, घर। तो घर का जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? तो आवास समझ में आई कि नहीं आई, कि वह स्थान जहाँ पर हम रहते हैं और वहाँ हमें बहुत सारे चीज़ों को क्या होता है, सुरक्षा प्रदान होती है और प्रजनन इत्यादि वहाँ पर उपलब्ध होती है, और वह उस जीव का वह क्या कहलाएगा, आवास कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, आवास कहलाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होगी क्योंकि मैं ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आवास लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। तो आगे की बातों को हम देखिए क्या क्या चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आगे की चीज़ों में क्या है। तो अब हम सीखते हैं जैव घटक, अब हम सीखते क्या है, जैव घटक। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जैव घटक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, जैव घटक। तो जैव घटक आखिर होता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो जैव है ना, यहाँ पर जैव जो है, जैव का मतलब क्या होता है, जीव होता है, ठीक है? तो जैव का मतलब क्या होता है, जीव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, आप यहाँ पर देखिए कि जीव संबंधी, और कह सकते हैं जीव का। तो जैव का मतलब क्या होता है, जीव संबंधी, या कह सकते हैं जीव का। बस आपको समझने क्या है कि जीव होता है, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं घटक, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, घटक। तो घटक का मतलब यहाँ पर मेरे साथी, यहाँ पर जो होता है ना घटक का मतलब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घटक का मतलब हमने क्या बताया है। तो घटक का मतलब यहाँ पर हमने जो बताया है कुछ इस प्रकार के, थोड़ी सी पेन चल नहीं पा रही है इसके वजह से ना, रुक जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कि, और थोड़ी सी मतलब अच्छा बनाना है, हाँ। तो आप देखिए कि घटक का मतलब क्या होता है, रचने वाला, बनाने वाला। तो घटक का मतलब क्या होता है, बनाने वाला और रचने वाला। तो इस पर गौर नहीं करनी है, बस आपको जैव लिखा हुआ यानी जीव का मतलब, जीव, जिंदा जीव का, ठीक है? तो जैव घटक का जो परिभाषा है ना कुछ इस प्रकार की है, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैव घटक का जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और थोड़ी सी हम इसको बड़ा करते हैं। तो जैव घटक का जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार की है, आप देखिए। तो जैव घटक का जो परिभाषा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी मेरी पेन चल नहीं पा रही है, यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब आसानी से मैंने दिया है परिभाषा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी आवास या वास स्थान, तो किसी भी, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी आवास या वास स्थान, तो यार आवास का मतलब और वास स्थान का मतलब एक ही होता है। तो किसी भी आवास या वास स्थान में केवल सजीव को हम कहते हैं जैव घटक। तो हम सजीव को क्या कहेंगे, जैव घटक कहेंगे, यानी जिसमें जान होगा उसको हम क्या कहेंगे, जैव घटक कहेंगे, ठीक है? आपको आई कि नहीं आई, एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पौधे, पौधे भी क्या है, एक जैव घटक है, और जंतु और अति सूक्ष्म जीव। अब अति सूक्ष्म जीव आपको क्या होता है, तो छोटे छोटे जीवों को हम क्या बोलते हैं, अति सूक्ष्म जीव, यानी जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैं इसको पर ना यहाँ पर बहुत ही मतलब यहाँ पर घेरा लगा दे रहा हूँ, और आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए।
तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा और आगे की चीज़ों को हम सीखते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी पेन चल नहीं पा रही है, तो यहाँ पर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बातों को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे की बातों को देखिए हम क्या चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजैव घटक। अब बात आती है यार, अजैव घटक आखिर होता क्या है? तो आपको तो पता है कि जैव में क्या था, सजीव था, यानी जिसमें जान था। तो अजैव में आपको क्या होगा, जिसमें जान नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है, जीव से संबंधित नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जीव से संबंधित नहीं, तो यह मतलब जिंदा जीव कुछ से इसको संबंध ही नहीं है, यानी जीव से संबंध नहीं है, यह मरा हुआ से यह संबंध रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्जीव पदार्थ कहलाते हैं आपको अजैव घटक, ठीक है। तो देखिए मतलब जैव से अच्छा आपको अजैव समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजैव घटक हम किसको बोलते हैं, तो जो निर्जीव पदार्थ है जिसमें मतलब जान ना हो उसको हम क्या कहते हैं, तो आपको अजैव घटक कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल रहा होगा, मिट्टी और इसके बाद जल और इसके बाद वायु और इसके बाद प्रकाश और इसके बाद कलम कॉपी इत्यादि। तो ये बातें आपको समझ आई कि नहीं आई? समझ आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और आगे की बातों को देखते हैं आगे और भी चीज़ों को क्या सीखने वाले हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोककर आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं और इसको थोड़ा सा हम घेर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बट यहाँ पर ना चल ही नहीं पा रही है। तो अब हम करें तो क्या करें, मतलब आधा दूर ही चल पा रही है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवेश। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, परिवेश। तो परिवेश को समझना है कि आखिर परिवेश होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है कि पौधे तथा जंतु। तो यार पौधे आप समझ ही रहे हैं कि क्या होते हैं, और जंतु, अब जंतु हम ही लोग हैं, ठीक है, आप भी हैं, एक जंतु है, ठीक है। तो पौधे तथा जंतु जिस प्राकृतिक वातावरण, अब बात आती है कि यार प्राकृतिक वातावरण आखिर होता क्या। तो मेरे प्यारे साथी, क्या कभी आपने वायु को बनाया है? नहीं ना। वायु को बनाया है क्या आपने? कभी सूर्य को बनाया है क्या आपने? कभी पृथ्वी को बनाया है? नहीं, ये पहले से ही है, यानी प्राकृतिक है। किस देखो देखिए आप समझिए, प्राकृतिक का मतलब आपको होता है जिसको किसी ने नहीं बनाया। तो प्राकृतिक वातावरण है, यानी हम जहाँ रह रहे हैं वह क्या है, एक प्राकृतिक वातावरण है। तो प्राकृतिक वातावरण है जिसको किसी ने नहीं बनाया है। तो पौधे तथा जंतुओं जहाँ पर रहेंगे या अपना जीवन जहाँ बिताते हैं, तो वह उन लोगों का क्या कहलाएगा, तो परिवेश कहलाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका, उन लोगों का क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। तो यार पौधे हो या जंतु हो, वह जहाँ रहेंगे ना, तो वे लोगों का क्या हो जाएगा, वह अति कह सकते हैं परिवेश हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, जिसको किसी ने नहीं बनाया उसको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक, ठीक है। तो वातावरण आप समझ रहे हैं, जहाँ हम हैं वह क्या है, एक वातावरण है। तो प्राकृतिक वातावरण जिसको किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये बातें अगर समझ आई हो तो अब चलिए वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। और यहाँ पर हाँ एक और बातें थी जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार की है, स्थलीय आवास। कि स्थलीय आवास क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथी, स्थलीय आवास कहने का मतलब, आवास का मतलब क्या होता है, तो आवास का मतलब होता है घर द्वार, ठीक है। और स्थलीय का मतलब आपको होता है जमीन, ठीक है। तो जमीन को हम क्या बोलेंगे, आपको स्थलीय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्थल या जमीन पर आने वाले जीवों को हम स्थलीय आवास कहेंगे। तो यार हम जमीन पर हैं तो एक क्या है, स्थलीय आवास है। अगर एक हाथी अगर जमीन पर है तो वो भी क्या है, एक स्थलीय आवास है। लेकिन अगर ऊँट बालू पर है तो वह क्या कहलाएगा, वो रेगिस्तान में है तो आपको क्या कहलाएगा, मरुस्थलीय स्थल, ठीक है। तो स्थल किसको बोलेंगे, जमीन को बोलेंगे, न कि बालू को न कि पानी को, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की बातें आई कि स्थलीय आवास हम किसको कहेंगे, तो जमीन पर जो भी घर द्वार है उसको हम क्या कहेंगे, स्थलीय आवास, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको यहाँ पर उदाहरण में देखने को मिल रहा होगा, क्या मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए तो लिखा क्या हुआ है, जैसे वन घास में मैदान, देखिए वन घास मैदान पर्वत पर रेगिस्तान इत्यादि, ये सब। जैसा कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ पाया होगा कि हमारा देखिए जैसे मतलब वन, तो वन कहाँ पर है, तो वन भी आपका भूमि पर ही है, यानी कह सकते हैं सब तो भूमि पर ही है, बट यहाँ पर हम भी एक भूमि पर हैं। तो वन और घास के मैदान और में या पर्वत पर रेगिस्तान, तो ये सब जो है ये आपको क्या है, स्थल है। लेकिन यहाँ पर बात यह ध्यान देने वाली है कि अगर पर्वत पर कोई अगर घर बनाता है तो वह पर्वतीय आवास हो जाएगा, लेकिन अगर रेगिस्तान में कोई घर बनाता है तो वह आपको हो जाएगा क्या, मरुस्थलीय आवास, यानी बालुआई घर, ठीक है। और इसके बाद वन में क्या हो पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं घास पात झाड़ियाँ बड़े बड़े वृक्ष इत्यादि, फल वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो और भी यहाँ पर है, और घास के मैदान में आप समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो घास और साकी पौधे, यानी डाली वाले जो होते हैं ना पौधे, और इसके बाद झाड़ियाँ इत्यादि। तो आज का जो वीडियो था इतना ही था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो यार वीडियो के नीचे लिखना,
मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बने रहो और जुड़े रहे, हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।